हर दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके अकाउंट इंडसइंड बैंक में है और एक साल का स्टेटमेंट पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, ये वीडियो खास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहां पर मैं बताने वाला हूं 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर से किस तरह से स्टेटमेंट को आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसमें शुरू से आखिर देखकर अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले इंडसइंड मोबाइल बैंकिंग में आपको लॉगिन कर लेना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो देखने, बहुत ही आसान तरीके से अकाउंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बना हो, चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यह मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है और जैसे आप लॉगिन कर, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑप्शन शो करेगा। अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ऊपर ही आपको देखेंगे यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होगा तो उसका लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, जिसका आप निकालना चाहें उसे आप निकाल सकते हैं। तो मेरा एक ही अकाउंट इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको यहाँ देखिए सेलेक्ट डेट है, फ्रॉम डेट सेलेक्ट करेंगे, टू डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कब से कब का चाहिए इसे निकाल सकते हैं। या फिर देखिए, यहाँ मंथली चाहिए तो मंथली निकाल सकते हैं, यहाँ पर 6 मंथ का चाहिए क्वार्टरली निकाल सकते हैं, एक साल का चाहिए तो ईयरली निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ सेलेक्ट मंथ पे क्लिक करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। 1 ईयर्स का चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना, जैसे 1 ईयर्स पे मैंने क्लिक किया, उसको देखिए नीचे देखें, यहाँ 3 ऑप्शन शो करेगा, डाउनलोड, ईमेल और फिजिकल। ठीक है, तो आपको किस टाइप का आपको यहाँ पर स्टेटमेंट चाहिए, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल पर चाहिए तो ईमेल भी मंगा सकते हैं, अगर बाय पोस्ट चाहिए तो आपको फिजिकल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर देखिए पीडीएफ का जो फाइल होता है वो यहाँ पर शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आप 1 साल का 2 साल का स्टेटमेंट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखना आप पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।